बोलिए। मेरा नाम आमिर है, नारायण खेड़ से है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। जो ये हमारे आंटी है, खाला, जो इनको फिनाइल जो एसिड रहता है वो पी लिए थे, उसके वजह से इनकी जो मुंह से खाने की जो अंतड़ी रहती ना, वो अंतड़ी का प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग हैदराबाद में और जो से LRAD में तकरीबन हॉस्पिटल लेके फिरे, कहीं पर भी नहीं हुआ इलाज। तो वहाँ को एक ज़रिए से बिदर का हॉस्पिटल मालूम हुआ था, वो हॉस्पिटल के ज़रिए से डॉक्टर आरिफ रदा साहब का हॉस्पिटल मालूम हुआ गुलबर्ग में। तो हम लोग यहाँ पे गुलबर्ग को आए, डॉक्टर आरिफ रदा साहब से मिले, मिलके बात करे, इलाज के लिए बात करे। तो आए, इलाज के लिए भी आए, इलाज कराए, माशाल्लाह इलाज सक्सेस हो गया। नो, जो मुंह से नहीं खा रहे थे वो मुंह से खा रहे, तकरीबन 2-2.5 साल से मुंह से कुछ भी नहीं खा रहे थे। बाजू में पाइप था, उससे लिक्विड देते थे, जूस वगैरह। यहाँ पे हमको NK हॉस्पिटल से मालूम हुआ है। गुस्से में पी लिए थे और सब, और वो सो वहाँ पे गए, हॉस्पिटल आंग गए, सब जगह कहीं भी कहीं नहीं हुआ। बिदर में आप हॉस्पिटल गए थे आरिफ बिदर के पास, तो गुलबर्गे में इलाज होता है बोल के बोले गुलबर्गे में करे ऐसे। तो तकरीबन से 2 साल से तो कुछ खाई नहीं थी, थूक भी नहीं निकलने जा रहा था। डॉक्टर ने आरिफ अच्छा कर दिए, ठीक है, अब सेहत अच्छी है। मैं तो खा रही भी नहीं थी, खाना पीना सब बंद हो गया था। वो अब सर्जरी करे जब से, फिर भी अभी खा रही पी रही सब करे। सर, अभी हमने एक पेशेंट से बात की के बताया कि उन्होंने एसिड पिया था, काफ़ी सालों से उनको खाने की काफ़ी तकलीफ थी। तो ये खालिदा पेशेंट, गलती से इसने 1 साल पहले एसिड कंजम्पशन किया था। मेरे को 1 साल पहले मिली, नारायण खेड़ से पेशेंट है। तो मैंने इसको सबसे पहले, इसको ना जब ये आई थी मेरे पास, आते ही फर्स्ट OPD में बताई, डॉक्टर साहब मैं कुछ खाना पीना, ठंडा पानी पीना चाहती हूँ। तो मेरे दिल पे लग गई बात। और ऐसे केसेस हमने पहले अपने हमारे एकेडमी का ईयर में मुंबई में, हैदराबाद में बहुत सारे किए हैं। 25 kg वेट था इसका और मैरिड है ये, इसके 4 बच्चे हैं। तो उसको पहले सबसे एडमिट करके छोटी इंटेस्टाइन में खाने का पाइप डाला, जिससे हम इसको न्यूट्रिशन शुरू करें, क्योंकि हम अपफ्रंट पहले ही से बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते इसको। तो हमने इसको एक छोटा पाइप डाला, जिसके द्वारा हम उसको लिक्विड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, जिसके थ्रू दूध, प्रोटीन, दाल, वो सब दे सकते थे पाइप से। मुंह से नहीं ली, डायरेक्ट हम पाइप से दे सकते थे। तो जिससे उसका हमने एक अराउंड 7 से 8 kg वेट बढ़ाया, और 32 kg वेट पे हमने उसको एक 10 दिन 15 दिन पहले ऑपरेशन किया। ये पेशेंट को टोटल अराउंड जस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो ओकल कॉर्ड्स, जो फायरिंग इसोफेगस बोलते हैं हम पार्ट को, वहाँ पे उसको हमने इंटेस्टाइन चिपकाया। और ये सर्जरी में हम पूरा, जब फुट पाइप खराब हो जाता है तो हम बड़ी अतड़ी लेके जाते हैं एज ए फुट पाइप। तो बड़ी अतड़ी को हम, और इसमें हम जो फुट पाइप खराब हुआ है उसको कभी हम निकालते नहीं, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट होता है। तो एक बड़ी अतड़ी को हम सब स्टर्नल स्पेस बोलते हैं, यानी स्टर्नम जो हड्डी है छाती की और दिल के बीच में से एक स्पेस बना के वहाँ ले जाके उसको चिपकाते हैं, जिसके ज़रिए से वो खाना खाती है। तो अभी माशाल्लाह पेशेंट अच्छे से खाना खा रही है, टॉलरेट कर रही है, पानी पी रही है, पूरा खा रही है, शी इज़ हैप्पी नाउ। बट माई इंटेंशन टू गेट अवेयरनेस अबाउट दिस कोरोजी इंजेक्शन इज दैट कि हमको प्रॉपरली अर्ली रिपोर्ट कर सकती है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, तो हम इसको एंडोस्कोपी से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। थोड़े से पेशेंट एंडोस्कोपी में ट्रीटमेंट हो जाता है अगर के अर्ली आएंगे तो, डायलिटेशन करके। हाँ, बहुत सारे पेशेंट का डायलिटेशन नहीं होता, क्योंकि बहुत ही मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ का स्ट्रक्चर रहता है जिससे हम खोल नहीं पाते एंडोस्कोपी से, उसको सर्जरी लगती है। लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं एंडोस्कोपी से। हम यहाँ पे NK हॉस्पिटल में ये सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। हम इससे पहले 5-6 पेशेंट को ऑपरेट कर चुके हैं। हम यहाँ पे एक अच्छे कॉम्प्लेक्स सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं अलॉन्ग विद द टीम, विद गुड नर्सिंग केयर। एसिड पीने से इमीडिएट अगर की रिएक्शन है तो अतड़ी या फुट पाइप फट सकती है। फटने की वजह से लंग में, दिल में पूरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। उस टाइम पे वो जो अक्यूट फेस होता है, यानी अर्ली स्टेजेस 1-2 वीक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है। उस टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट अगर के पेशेंट को हम देंगे, उस दौरान खून की उल्टी हो सकती है, सीना पूरा जल जा सकता है, पूरा उसका लंग, फेफड़े जल सकते हैं, जिसकी वजह से उसको पूरा निमोपेरिटोनियम हो सकता है, पूरा अतड़ी फट के इंटेस्टाइन फट सकते हैं। तो उस टाइम पे उसको एक्यूरेट मैनेजमेंट करने से हम उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन इसकी मॉर्टेलिटी भी हो सकती है अगर के प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किए तो।
हाँ, ये वेल डॉक्यूमेंटेड कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। 5 से 6 जगह हम उनको अनास्टोमोसिस जोड़ते हैं। एक गले में, पेट में 3-4 अनास्टोमोसिस होते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज सर्जरी है जिसमें एक टीम परफॉर्म करेगी तो रिजल्ट आएगी। इट्स नॉट ए इंडिविजुअल वर्क, ये ऑलवेज एक टीम वर्क, एक गुड एनेस्थीसिया विद अलॉन्ग विद द सर्जन्स एंड विद असिस्टेंट्स और अच्छी सी मैनेजमेंट पोस्ट ऑपरेटिव टीम विद रेगुलर फॉलोअप एंड रेगुलर चेकअप्स की वजह से इसमें हम सक्सेस पाते हैं। ये अराउंड एक 8 to 10 आवर्स की सर्जरी है।